कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल की एक पोस्ट में कहा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं स्तब्ध और भयभीत हो गई। इससे भी अधिक निराशाजनक बात ये है कि ये अपनी तरह की एकमात्र घटना नहीं थी, ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला का हिस्सा है। कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी अपराधी अन्य जगहों पर घूम रहे थे। पीड़ितों में किंडरगार्टन की लड़कियां भी शामिल हैं। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। राष्ट्र का आक्रोशित होना तय है और मैं भी। हमें अपनी बेटियों के प्रति ये दायित्व है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें, फिर हम सामूहिक रूप से अगले रक्षाबंधन पर उन बच्चों की मासूम जिज्ञासा का दृढ़ उत्तर दे सकेंगे। आइए हम सामूहिक रूप से कहें कि अब बहुत हो गया। अपने बयान में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब मैं देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हाल ही में मैं एक विचित्र दुविधा में फंस गई थी जब राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन मनाने आए कुछ स्कूली बच्चों ने मुझसे मासूमियत से पूछा कि क्या उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि भविष्य में निर्भया जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिसंबर 2012 में जब एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तब पूरे देश में सदमे और गुस्से का माहौल था। हमने तय किया कि किसी और निर्भया को ऐसा ना सहना पड़े, लेकिन निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत त्रासदियां हुई। केवल कुछ ने ही पूरे देश का ध्यान खींचा, उन्हें भी जल्द ही भुला दिया गया। समाज की भूलने की ये सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है और अपना सिर रेत में दबा लेता है। हालांकि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने मणिपुर की घटना पर अपना कोई बयान क्यों नहीं जारी किया था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले पूरे देश में चरम पर हैं। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति का बयान भी इसी सोच से ओतप्रोत नजर आता है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन ये एक विभत्स घटना है जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। लेकिन काम सिर्फ आलोचना से नहीं चलना है, तो अब सवाल है कि राष्ट्रपति सिर्फ इस केस की आलोचना करेंगी या कुछ सख्त कदम भी उठाएंगी, और उठाएंगी तो सख्त कदम क्या होंगे? क्या पश्चिम बंगाल में आपातकाल की आहट सुनाई देगी? क्या ममता के हाथों से सब कुछ लेकर पश्चिम बंगाल को दिल्ली से संचालित किया जाएगा? क्या ये पॉसिबल भी हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए के बलबूते पर केंद्र में तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के लिए कुछ तो बड़ा सोच रही है, जिससे शायद अभी हर कोई अनभिज्ञ है। नबन्ना अभिजन रैली से लेकर पश्चिम बंगाल बंद तक बीजेपी के किसी भी तीर का निशाना अभी तक ममता सरकार पर सटीक नहीं लगा है। अभी तक हर बार बेकार हुआ है। तो अब सवाल है कि क्या अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में आपातकाल की घोषणा करती हैं, तो क्या वहां का जनजीवन एक बड़ी मात्रा में प्रभावित नहीं होगा? फिलहाल तीसरी एनडीए सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का इस पूरे केस पर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। आज देखें तो बंगाल में बहुत सारे महिलाओं से संबंधित केस पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी हमने कहा तो उन्होंने मना किया, उसके बाद उन्होंने 11 खोलने की बात की, लेकिन आज मात्र 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो 6 के माध्यम से आप इतने बड़े राज्य में लोगों को न्याय नहीं दिला सकते। तो एक तो जो काम उन्हें करना चाहिए था, जो राज्य सरकार, चूंकि सुरक्षा पुलिस बिल्कुल पुलिस राज्य सरकार का मामला है, तो जो उनको करना चाहिए था, आज राज्य सरकार के द्वारा जिस तत्परता के साथ और महिला सुरक्षा को विशेष रूप से जो ध्यान देना चाहिए था, आज इन सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। और लगातार इस तरह की घटनाएं, आज ये अभी डॉक्टर के साथ हुआ, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन राज्य सरकार इन सारी चीजों को लेके, महिला अपराध को लेके, ऐसा लगता है कि ये गंभीर नहीं है, जिसके वजह से आज हम लगातार उनके बयान भी देख रहे हैं, कभी धमकाने का कभी कुछ। तो ये कहीं से भी नहीं लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री, गृह मंत्री खुद है, स्वास्थ्य मंत्री खुद है, और उसके बाद वो रोड पे निकल रही हैं।
तो ये शोभा नहीं देता। आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए आपने वो नहीं किया। दूसरा, सबूत मिटाने का प्रयास आपने किया, दोषियों को बचाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। देश का न्यायिक तंत्र भी इस केस को लेकर ममता की कार्यशैली को संदेह की नजर से देख रहा है। महिला डॉक्टर को क्या इंसाफ मिलता है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इतने तगड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद अभी भी पश्चिम बंगाल में क्या होना बाकी है, ये भी एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।